वेलकम टू डिजिटल्स क्लास। आज हम आपके लिए लाए हैं गुना का सुपर फास्ट ट्रिक। जो आपको यह ट्रिक कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब के पास नहीं है, तो आप इस चैनल के साथ बने रहे और आप देखेंगे कि कितने कम समय में 2 से 3 सेकेंड में किसी भी संख्या का कितना शॉर्ट तरीका से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो पिछला जो वीडियो था मेरा पार्ट 1 था, और इस वीडियो जो है मेरा पार्ट 2 है। तो इस वीडियो के साथ बने रहे और पार्ट 2 में देखिए कि इसमें जो है क्या चीज़ आपके लिए लाए हैं, क्या चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आइए आगे देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, यहाँ पर जो है पिछला वीडियो था हमारा 2 डिजिट का था, और यहाँ पर जो 3 डिजिट का शॉर्ट ट्रिक आपको बताया जा रहा है, गुना का जो है शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा, जो कि सुपर फास्ट ट्रिक इसको कहा जाता है। कम से कम समय में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 4 सेकेंड में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहे और शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 3 डिजिट के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो 3 डिजिट दिया गया 246 × 124 लिखा हुआ, तो 124 को हम कैसे और 246 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको हम पिछला वीडियो में बताए थे। सबसे पहले अगर 3 डिजिट का है तो हम 3 कॉलम बनाएंगे और 3 रो बनाएंगे, यानी कि जितने डिजिट है एक रो में रखेंगे, एक कॉलम में रखना हमें। तो उसके अनुसार रो और कॉलम को आप सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद सबको यहाँ पर क्या कीजिए, खींच लीजिएगा, लकीर खींच ले, मतलब हर बॉक्स को 2 भाग में डिवाइड करते चलना। जैसे ये मेरा बॉक्स है, तो इस बॉक्स को क्या किए, डिवाइड के, डिवाइड करने का भी तरीका इस तरह से करके सबसे पहले बॉक्स को जरूर काटिएगा, क्योंकि 2 भाग में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, फिर अगला क्या है, अगला प्रोसेस हम लोग जैसे है डिजिट में जो जो चीज़ लिखा हुआ है उस डिजिट को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ है, तो 2 4 6 है, तो 2 4 6 को सबसे पहले हम राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं। इस कॉलम के लिए यहाँ पर 2 लिखें, फिर यहाँ पर 4 लिखें, फिर यहाँ पर 6 लिखें, यानी इसके इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए 4 हो गया, और इसके लिए 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इसके लिए, फिर इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे 2, देन इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर हम 4। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए सारा कुछ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, स्टार्ट करना है। याद रखिएगा मल्टीप्लाई के लिए हमेशा 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट अगर नहीं आता है तो 1 0 अपने से प्लेस करके उसके बाद 2 डिजिट बनाया जाता है। तो 2 × 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आता है, 2 आता है। तो इसके लिए हमको 2 डिजिट बनाना है, तो 1 0 अपने से प्लेस करते हैं और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2। अब 2 × 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है, लेकिन 4 हमारा 1 डिजिट होने के कारण हम इसको क्या कर देंगे, 2 डिजिट बना देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 बराबर कितना हो गया, 4। फिर 2 × 4 बराबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो 2 डिजिट यहाँ पर हम बना देंगे, 8। फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा मेरा कितना, 4, 2 डिजिट बना देना है। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8, तो फिर से 2 डिजिट बना देना। फिर 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है, 16, तो 16 ऑलरेडी 2 डिजिट है इसके, इसीलिए यहाँ पर 1 डिजिट लिखेंगे और 1 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे। फिर 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 6, इसको हम 6 लिखेंगे, 0 6 करके। फिर 6 को फिर जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 12 को लिखेंगे 1 और यहाँ पर 2 लिखेंगे। 6 को फिर 8, 6 को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब इसमें जोड़ने का तरीका देखिएगा, सबसे पहले इस लाइन को जोड़ेंगे, फिर इस लाइन को जोड़ेंगे, फिर इस लाइन को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना, 6 और 2 8 हुआ, और कितना हुआ, 2 10 हो गया। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 10 के कितना होगा, 0, और कैरी कितना चल रहा है, 1। अब यहाँ पर आते हैं, इस लाइन में आते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 8 है, और हमारा यहाँ से कैरी गया था, 1 9 हुआ और 1 हुआ 10, और 8 कितना हुआ, 18 हो गया, और 18 × 1 19 हुआ, और 19 और 6 कितना हो जाएगा, 19 और 6 25, 25 के 5, और रिमाइंडर फिर से मेरा 2 चल गया, रिमाइंडर 2 चल गया। अब यहाँ पर 4 और 4 8 हो गया, और 2 कितना हुआ, 10, 10 के कितना हो गया, 0, फिर रिमाइंडर 1 आया, 1 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 6 और 1 2 4 को, तो गुना करने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा, 3 0 5 0
फोर आएगा। आप प्रोसेस से भी कर सकते हैं, बट हमारे यह सुपर फास्ट ट्रिक है। आप सुपर फास्ट ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का आप उत्तर निकाल सकते हैं। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल में क्या चीज रखा हुआ है। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए। आइए यहाँ पर जो है, यहाँ आपको कुछ और एग्जांपल यानी क्वेश्चन टू ले रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, यदि दो डिजिट यहाँ पर होगा और यहाँ पर थ्री डिजिट होगा तो कैसे बनाएंगे। तो दो डिजिट के लिए यहाँ पर सेम कॉलम जो उसी तरह से जितने डिजिट है उतने ही डिजिट का आपको खींचना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सारे बॉक्स को दो जगह दो भाग में जरूर डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पर टू है तो यानी कि फोर है, यहाँ पर फोर लिख देंगे और यहाँ पर कितना है थ्री, यहाँ थ्री लिख देंगे। फिर यहाँ पर टू देन वन देन फाइव, आपको समझ में आ गया होगा कि इसे फाइव कैसे लिखते हैं, टू वन और फाइव। अगर नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दे, जो वहाँ आपको इसका डिटेल मिल जाए। अब यहाँ पर क्या है, सेम प्रोसेस है, फोर इंटू टू करते हैं तो कितना आता है एट। एट के लिए हम जीरो एट लिखेंगे। फिर चार इंटू वन को करेंगे गुना तो कितना आएगा चार, यहाँ जीरो फोर लिखेंगे। फिर चार इंटू फाइव करेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी, ट्वेंटी दो डिजिट का ऑलरेडी, यहाँ टू जीरो लिख देंगे। फिर तीन को फिर जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि तीन और दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है सिक्स, यहाँ पर सिक्स लिखेंगे। फिर यहाँ पर थ्री और एक को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री आता है, यहाँ पर हम थ्री लिखेंगे। फिर थ्री और फाइव को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है पंद्रह आता है, यानी कि वन और फाइव। अब अगला काम क्या है, हम लोग को ऐड करना, तो ऐड करने के लिए ध्यान रखिए ऐसे करके इस तरह से करके हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइव है तो यहाँ पर सबसे पहले फाइव लिखेंगे। फिर थ्री और वन कितना हुआ फोर, यहाँ पर हम फोर लिखेंगे। फिर छः, छः और चार कितना हुआ, छः चार दस और दो कितना हुआ बारह, बारह के यहाँ पर दो लिखेंगे। रिमाइंडर कितना जाएगा एक जाएगा, आठ और एक कितना हुआ नौ। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं, यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी कि जब हम लोग फोर 43 को और 215 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना करने के बाद जो इसका आएगा 9245, 9245 इसका आंसर, इसका सही उत्तर। आप प्रोसेस से भी करके देख सकते हैं, बट हमारा यह सुपर फास्ट ट्रिक है। आप सुपर फास्ट ट्रिक को जरूर अपनाइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो सबको मिले और सबको जानकारी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।